हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे विस्कोचेक आई ड्रॉप के बारे में। यह जो आई ड्रॉप है एक लुब्रिकेंट आई ड्रॉप है। इस आई ड्रॉप के अंदर अपन कंपोजिशन के बारे में बात करें तो इसके अंदर दिया गया है हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेल्यूलोज। तो आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आखिरकार किस तरह की समस्याओं से राहत पाने के लिए डॉक्टर्स इस आई ड्रॉप को प्रिस्क्राइब करते हैं और इस आई ड्रॉप का इस्तेमाल करने के बाद में पेशेंट को क्या क्या इसके फायदे और क्या क्या इसके नुकसान देखने को मिल सकते हैं। आप सभी को संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो यह जो आई ड्रॉप है विस्कोचेक आई ड्रॉप, जैसा कि मैंने बताया, एक लुब्रिकेंट आई ड्रॉप है, अपनी आंखों को चिकनाई बनाने का काम करती है। इसके अंदर जो कंपोजिशन दिया गया है हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेल्यूलोज आखिरकार क्या काम करता है, तो यह अपनी आंखों के अंदर आर्टिफिशियल टीयर बनाने का काम करता है। कई बार ऐसे पेशेंट रहते हैं उनकी आंखों के अंदर प्रॉपर रूप से आंसू नहीं बन पाते हैं, जिसके कारण उनकी आंखों के अंदर इरिटेशन होती रहती है, प्रॉब्लम होती रहती है, झंझनाहट होती रहती है, आंखों में जलन रहती है, आंखों में सूखापन रहता है और सूखापन के कारण आंखों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। तो ऐसी समस्याओं से राहत पाने के लिए डॉक्टर्स इस आई ड्रॉप को प्रिस्क्राइब करते हैं। इस आई ड्रॉप में जो हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेल्यूलोज दिया गया है, यह प्राकृतिक रूप से जो आंसू नहीं बन पा रहे हैं तो आंसू बनाने का काम करता है, यानी कि आर्टिफिशियल टीयर बनाने का काम करता है, जिससे पेशेंट को आंखों के अंदर चिकनाई रहती है और उससे प्रॉब्लम्स में पेशेंट को राहत देखने को मिलती है। यह जो आई ड्रॉप है पेशेंट की आंखों के अंदर चिकनाई बनाने का काम करती है और चिकनाई के साथ साथ जैसे पेशेंट जिनको कई बार जो ड्राइनेस के कारण जलन हो रही है, आंखों के अंदर सूखा अपन आ गया है, दर्द रहता है, तो उसमें उससे राहत देने का काम करती है। नॉर्मली यह जो आई ड्रॉप है आपको हर मेडिकल स्टोर पर अवेलेबल हो जाती है। यदि देखिए यह जो आई ड्रॉप है आपको विस्कोचेक आई ड्रॉप नाम से नहीं मिले, तो आप इसके अंदर जो कंपोजिशन दिया गया है हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेल्यूलोज, इस नाम से नॉर्मली मेडिकल स्टोर से परचेस कर सकते हैं। मेडिकल स्टोर वाला अन्य ब्रांड के आपको यह जो आई ड्रॉप है दे देगा। देखिए उपयोग करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लेना है ताकि आपको इसका किसी भी तरह कोई साइड इफेक्ट का सामना नहीं करना पड़े। देखिए अपन बात करें कि आखिरकार इस आई ड्रॉप का इस्तेमाल अपन किस प्रकार कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो अपनी आंखों को बिल्कुल क्लीन वाटर से वॉश करना है। उसके बाद जहां पर धूल मिट्टी नहीं हो उस एरिया में जाकर इस आई ड्रॉप को पीछे से पकड़कर अपनी आंखों के अंदर डाल सकते हैं। डोज के बारे में बात करें तो एडल्ट डोज के बारे में बताता हूँ, पेशेंट को 2 से 3 बूंद दिन में 3 बार डालने की सलाह दी जाती है। डोज पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए डिसाइड की जाती है, इसलिए आप इसका इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर लें। बात करें अपन इस आई ड्रॉप के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स के बारे में, तो साइड इफेक्ट्स आपको वैसे इसके कुछ भी देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन यदि पेशेंट को देखे एलर्जिक समस्याएं होने लग जाए या फिर आंखों में जलन या दर्द होने लग जाए, आंखों के अंदर लालपन आ गया हो, तो आप इस आई ड्रॉप का इस्तेमाल करना बंद कर दें और अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही इस आई ड्रॉप का इस्तेमाल करें। यह जो आई ड्रॉप है पेशेंट को रिजल्ट बेहतरीन देने के काम करती है। नॉर्मली आपको हर मेडिकल स्टोर पर यह जो आई ड्रॉप है अवेलेबल हो जाती है। देखिए अपन बात करें इस आई ड्रॉप की प्राइस के बारे में, तो मैं जिस आई ड्रॉप का रिव्यू कर रहा हूं विस्कोचेक आई ड्रॉप, इस आई ड्रॉप की प्राइस है 160 रुपये, जिसके अंदर 10 ml की आई ड्रॉप आपको नॉर्मली मिल जाती है। यदि आप अन्य ब्रांड की और कोई दूसरे आई ड्रॉप का इस्तेमाल करोगे जिसके अंदर हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेल्यूलोज दिया गया हो, तो उसकी प्राइस में आपको कमियां ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो मैंने आप सभी को इस वीडियो में बता दिया है कि आखिरकार किस तरह की समस्याओं से राहत पाने के लिए डॉक्टर्स इस आई ड्रॉप को प्रिस्क्राइब करते हैं और इस आई ड्रॉप का इस्तेमाल करने के बाद में पेशेंट को क्या क्या इसके फायदे और क्या क्या इसके नुकसान देखने को मिल सकते हैं। आप सभी को संपूर्ण जानकारी मैंने इस वीडियो में दे दी है। तो यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी भी नॉलेज मिली तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर देना और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, ताकि जब भी हम अगला वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।